अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी नई वीडियो का अपडेट मिस ना कर पाएं। एक्टर नसीरुद्दीन शाह के बयान के बाद देश में भूचाल सा मच गया है। कोई इसे नसीरुद्दीन शाह के व्यक्तिगत विचार बता रहा है तो कोई इसे देश का अपमान। इसी बीच मुजफ्फरनगर के हिंदू युवा वाहिनी के बुढ़ाना ब्लॉक अध्यक्ष मनु ठाकुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें उसने नसीरुद्दीन शाह की जीप काट कर लाने वाले इंसान को 5 लाख तक के इनाम देने की घोषणा की है। इस वीडियो में मोनू ठाकुर ने नसीरुद्दीन शाह को देश छोड़कर पाकिस्तान जाने की चेतावनी तक दे डाली। साथ ही अध्यक्ष मोनू ठाकुर ने नसीरुद्दीन शाह की जीप काट कर लाने वाले इंसान को 5 लाख तक का इनाम देने की घोषणा की है। इतना ही नहीं, बुढ़ाना ब्लॉक अध्यक्ष मोनू ठाकुर का कहना है कि मुंबई में जब हमले हुए थे तो आतंकियों ने किए थे, तब अभिनेता नसीरुद्दीन शाह को डर क्यों नहीं लगा? जम्मू कश्मीर में जब हिंदुओं ने पलायन किया था तब कहां थे नसीरुद्दीन शाह? वैसे आपको बता दें कि ललितपुर में सोमवार को केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने नसीरुद्दीन शाह के बयान को लेकर कहा कि देश में विभाजन के हालात बनाए जा रहे हैं। यह हालात वह लोग ही बना रहे हैं जो पूर्व में पुरस्कार तक वापस कर चुके हैं। उन्होंने आगे कहा कि नसीरुद्दीन शाह अपनी लोकप्रियता का गलत फायदा उठाते हुए देश में नफरत का वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अन्न जल देश का ग्रहण करते हैं और विश्व पटल पर देश को ही बदनाम कर रहे हैं। उन्हें नसीरुद्दीन शाह के बयान को एक सोची समझी साजिश करार दिया है। तो दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या है राय? क्या नसीरुद्दीन शाह की ये राय व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने रखी है या फिर एक ये सोची समझी साजिश है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर दें और ये खबर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और ऐसी और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। MFI न्यूज, हमेशा सच के साथ। ठाकुर साहब, आपकी एक वीडियो वायरल हो रही है नसीरुद्दीन शाह पर, आप बयान दे रहे हैं, क्या था पूरा मामला, क्यों, क्या है वीडियो में? मामला है, 2-3 दिन से न्यूज पे एक ही बात देख रहा कि नसीरुद्दीन को जो है डर लग रहा, और मैं उससे ये पूछना चाहता हूँ, वही वीडियो थी मेरी जब वहाँ मुंबई में बम ब्लास्ट हुआ 1992 में, जब क्या उन्हें डर नहीं लगा? उसके बाद मुंबई में घटना हुई वो ताज होटल वाली, जब उन्हें डर नहीं लगा? और उससे पहले भी यहाँ से अपना जम्मू कश्मीर से पलायन हुआ हिंदुओं का, जब भी उसे डर नहीं लगा? तो ऐसे आदमी को तो भारत देश में रहने की जरूरत ही नहीं है, अपना पाकिस्तान चला जा, क्या आपने, आपने एक बयान में आप एक भी कहा है कि जो भी नसीरुद्दीन शाह की जीप काट कर ला के देगा उसे इनाम मिलेगा 5 लाख का। हाँ, मैंने ये दिया है, क्या जो भी उसकी जीप काट के देगा 5 लाख का इनाम देगा।